है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया साधु बैंड का, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे। उसमें मैं देख रहा हूँ, क्या उम्र है इनकी, क्या उम्र है? 11। तो 11 साल के शख्स शामिल हैं, तमाम ढोलक, तबला, हारमोनियम, गिटार से बांसुरी वाले तमाम सारे लोग, बहुत बहुत शुक्रिया साधु बैंड। ये देश सच में बहुत खूबसूरत है, जिसके बारे में जितना कहा जाए, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि यहाँ पे जब हम मौजूद होते हैं तो मुद्दे के साथ होते हैं। कह सकते हैं कि छपास और दिखास, जिसका जिक्र लोग करते हैं अक्सर, कि दिखने के लिए और बोलने के लिए आप कुछ भी बोल देते चले जाएं, क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना है। दरअसल हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि वो तमाम सारे मुद्दे उठाए जाएँ, बात की जाए, जिसमें कुछ ना कुछ रास्ता हल जरूर निकले, या कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बने और एक देश में एक बात और एक बहस शुरू हो और वो पॉजिटिव हो। इसी बात, इसी सिलसिले को जोड़ते हुए मुझे आज एक शख्स ने ये बात कही कि आपके प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है कि वो ये कि एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, एक आम शहरी, एक आम नागरिक, सड़क पे चलने वाला, मिडिल क्लास वाला, चाहे कोई हो, वो अपने को जोड़ लेता है। और यही साथ इस भैया जी कहीं की सबसे बड़ी खूबी है, जिसके लिए तमाम सारे लोग तमाम जगह से यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ बातचीत के सिलसिले को। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहता हूँ। आज का मुद्दा जो है, हालांकि वो मुद्दा नहीं है और मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, जब इस मुल्क का प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ, और जो हिंदू मुसलमान की घटनाएं हुई, या जिसको लिंचिंग या जिसको मारपीट की बात कही, उसके बाद तो कुछ बात रह नहीं जाती। लेकिन फिर भी एक घटना है मुंबई के हुई, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में, और वो ये घटना कि जिसमें एक ड्राइवर को पीटा, जब पता चला वो मुस्लिम है तो उसको और मारा। बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके बारे में तमाम सारी बातें लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, बहस है स्टूडियो से लेकर और हम यहाँ सड़क पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी सरकार का एक कहना है कि वो समरसता, यानी आपसी मेलजोल, सामंजस्य, जिसे कहते हैं बैलेंस, हम एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहें, इस पर वो काम कर रही है। और इसके लिए उसने कहा कि अल्पसंख्यक जो उसका मंत्रालय है
उसने कहा कि उसमें योजनाएं उसकी हैं, दो टीयर योजनाएं उन्होंने बताई हैं, तो इन तमाम सारे बिंदुओं को समेटेंगे। बहरहाल सवाल यह था कि बंगाल में जब जय श्री राम के नारे लगे तो मुख्यमंत्री भड़क गई, लेकिन जापान ओसाका में प्रधानमंत्री जब भाषण खत्म कर रहे थे तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे वहां पर। अब सवाल यह है कि कहां किसकी भावना कैसे काम कर रही है, यह कैसे पता किया जाए, और नारों को लेकर कैसे बीच में जो सवाल है कि हम जिस बात को कह रहे हैं वो किस इंटेंशन से कह रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी मंशा क्या है, इस बात को समझने और जानने के लिए जो आज बहस का मजमून है वो मैंने आपको बता दिया कि आज इसी पर बहस है, इसी पर बातचीत है। ओल्ड इंडिया, नया इंडिया। सवाल ये था कि ये कहते हैं कि हमें ओल्ड इंडिया, जो हमारा पुराना भारत है वो, और जो नया भारत है उस पर बहस ये हो कि हमारे नए भारत में क्या चीज़ हो। तो नए भारत में ऐसे तो दाग जो दिखते हैं वो बदनुमा है, चाहे, जी हाँ, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो बंगाल में हो, और चाहे वो झारखंड में हो, बात कहीं भी हो वो बदनुमा है, दाग है, उसको नहीं होना चाहिए। तो इसी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं, लेकिन हाँ, मेरे साथ यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी बात कहने बड़े दूर दूर से आते हैं। पहले मैं मेहमान से तारुफ कराता हूँ, फिर मैं एक दो लोगों से बात करता हूँ। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निखत अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। एस के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी साहब अध्यक्ष इतिहास सोसाइटी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे वो लोग मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम की आत्मा है, जान है, जो यहाँ पे आते हैं, इकट्ठा होते हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ, उसे एक मुद्दा है जिसको लेकर मैंने हमेशा मैं बात करता हूँ, जब भी मुझे मौका लगता है मैं करता हूँ, क्योंकि वो नौजवान से जुड़ा मुद्दा है। आज भी वो शख्स यहाँ खड़ा है और मुझे वो देख रहे हैं, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा संगठन है जो आप सबके लोगों को इस सोसाइटी के बीच में काम करता है। जी हाँ, वो नशे के विरुद्ध काम करते हैं, यूनानिमस के नाम से, और नार्कोटिक यूनानिमस के नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम अभी करना है, उन्हें परसों करना है। इसके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे अपनी बात कहने के लिए कि यहाँ पे एक चर्च है तो वहाँ पे वो मिलते हैं, हर सैटरडे संडे भी लोग मिलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नशा विरोध है इसके लिए वो काम करते हैं, इसके लिए उन्होंने मेरे पास आए थे। लेकिन इस सोसाइटी की एक खास बात यह है कि वो चेहरे सामने आके बात नहीं करते, वो आप सबके बीच में ही वो खड़े हैं शख्स, मुझे तो देख रहे हैं वो, मैं उन्हें जान रहा हूँ, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहे हैं देख के। 20 साल पहले उन्होंने नशा छोड़ दिया, पूरी तरह से हम नशा नहीं करते, वो कोई नशा नहीं करते, लेकिन वो नशे में जो लोग युवा पीढ़ी है उसको छुड़ाने के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूँ वो आपके बीच में मुझे खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप कृपया उन सब उनके लिए जरूर ताली बना दीजिए, बजा दीजिए। नार्कोटिक्स यूनानिमस के लिए ताली बजा दीजिए। वो यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी हैं, वो इसलिए नहीं सामने आते क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी इसलिए नहीं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आज भी समाज में जब कोई लड़ता है या कोई लड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा ओह तुम ऐसे थे, अरे भाई वो तो उसका पिछला था, अब तो वो सुधर गया है, अच्छा हिस्सा है। तो इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आए, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि कभी वो यहाँ सामने बैठे, क्योंकि वो चेहरा दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं कुछ ऐसा प्रबंध मैंने पहले भी शोज किए हैं उनके साथ, तो प्रबंध करेंगे। लेकिन मुद्दे पे लौटते हैं, कोई किसी को बात कहनी हो अपनी तो। हाँ हाँ जी, ये मॉम लिंचिंग वाला मैटर है, अगर भीड़ मारती है कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है कि ये श्री राम के नाम का नारा लगवाना ये गलत है, जय श्री राम के ऊपर नाम पर नारे लगवाना ये गलत है। जिसको जो मारा था उसके नारा लगवा रहे थे, अगर चोरी का इल्जाम लगाया था तो भीड़ ने मारा तो भीड़ अक्सर मार देती, हो जाती दुर्घटना, लेकिन उसका जय श्री राम के नारे लगवाना ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो भी गलत है, किसी भी अपराधी को धर्म के नाम पर महिमामंडित करना ये हमें बंद करना चाहिए, और जब हम उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं तो वो ऐसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। हाँ। जानबूझकर सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए वो कोशिश करते हैं इस तरह की घटनाएं करने की, तो उनको अपराधियों की नजर से ही देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ये देश जो है वो सबका है, बहुत अच्छी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी अपराधी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक बात कही थी आपसे जब प्रोग्राम शुरू कर रहा था, तो मैंने एक बात छोटी सी कही थी, और वो ये कही थी कि छपास और दिखास, यानी हम छपे खूब, हम दिखें खूब, हमको लोग जाने, इसका रोग होता है, और इसका जिक्र भी बाकायदा किया है, और ये वास्तव में सच है।
पब्लिसिटी, आपने जिस वर्ड को यूज किया कि पब्लिसिटी के लिए, ये बेहद खतरनाक है सोसाइटी में। हाँ कुछ पुरानी हमारी संस्कृति है, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, राम राज्य आज का नहीं है, राम राज्य बहुत पहला है और राम जी की पंडभूमि है और यहाँ सारे के सारे वो साक्षात है यहाँ पे। आप अगर राम जन्मभूमि जैसी जगह यहाँ पर, यहाँ हम राम जी का नाम नहीं लेंगे तो क्या मक्का मदीना का नाम लेंगे या मतलब भार के जो सर, तो आपको मना किसने किया है? आपने आप में धर्म का खूब अच्छे से पालन करें, मैं आपको माफ मुबारक को बहुत अच्छे से पालन करें, लेकिन दूसरे पे फोर्स ना करें। मैंने आपसे कहा अल्लाह के ऊपर कहो, मैंने कहा मेरी आस्था है, मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह की बात कैसे करता हूँ, ये अल्लाह जाने। ये भैया आप राम की बात कैसे करते हैं पूजा, राम और आपका रिलेशन है बीच का, पब्लिक के सामने आके मिला जय श्री राम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मन से होती है ना कि जबान से। क्या बात है यार, यार बड़े तुमने जो फलसफा समझा दिया यार ना, मैं तुम्हारे बताऊं वो बड़े 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 पंडित और बड़े बड़े मौलवी नहीं समझा सकते, मजा आ गया। क्या बात है फलसफा सत्ता जी, क्या क्या इंसान है यार, वाह क्या बात है यार, मजा आ गया। तुमने तो वो बात बता दी जिंदगी का, वो फलसफा समझा दिया, बोले अल्लाह की बात कर रहे तो अल्लाह और हमारे के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों आते हो? और अगर मेरे मैं बताऊं, मैं प्रोग्राम जब करता हूं तो लोग तमाम पूछते हैं कि ये ऊपर क्या देखते हैं, ऐसे क्या करते हैं। सुनिए जनाब, जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो मैं अपने इष्ट, ये जो मेरे इष्ट है, मैं उनका नाम लेकर प्रोग्राम शुरू करता हूं। वो कोई और नहीं है, वो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। मैं उनका नाम लेके, तो एक मिनट जनाबे अली, हाँ और सुनिए, वो राम जो है वो राम मेरे अपने हैं, मेरे व्यक्तिगत हैं, वो मुझे इनमें भी दिखते हैं, वो आप में भी दिखते हैं, सब में दिखते हैं जी। नाउ आई एम कमिंग टू ना राइट कमिंग टू ईश्वर अल्लाह सद्गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम, गिरजा मंदिर मंदिर गुरुद्वारा सभी है प्रभु के धाम, धाम सब एक है, अलग अलग है नाम। ये इस देश की सच्चाई है और प्रभु श्री राम हमारे देश के आराध्य है, पैगंबरे हिंद है। मैं नहीं कह रहा हूं, इकबाल ने कहा ये बात, जब वो इस देश के पैगंबरे हिंद है, हमारे देश के आराध्य है, हमारे देश के भगवान है, तो जय श्री राम कहने में क्या आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मतलब दत्ता जी मार मार के कहलवाओगे क्या? उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। नहीं दत्ता जी बताओ, अरे भाई तुम क्यों नहीं बोलते हो? देख रखा, ये कोई बात हुई? ये शर्मनाक बात है। उसी पे आ रहा हूं प्रतीक जी, मैं अपनी बात रखूं फिर आप सवाल कीजिएगा। कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व अगर प्रभु श्री राम के नाम को धूमिल करने की कोशिश करते हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, ये कह देना कि ये प्रायोजित है, ये गलत है। प्रायोजित तो वो होता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग होता है, जैसे बंगाल में मुमताज दीदी कर रही है, वो है प्रायोजित। आइसोलेटेड घटना को देना गलत है। अब ममता बोलिए, मुमताज क्यों बोलते हैं? मेरे लिए वो मुमताज दीदी है, बंगाल के कई कई बच्चे बच्चे उनको मुमताज दीदी कहते हैं। नहीं मैं 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 आई एम कमिंग प्रतीक जी, क्या करेंगे आप साहब बताइए, बाप हाँ सही कह रहे होंगे जी। अभी आपने अपनी बात में क्या कहा कि जब आप इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो आपने जो आप जिसको भी आराध्य मानते हैं उसके मन में आप उनका नाम लेते हैं, उनसे आप सद्बुद्धि मांगते हैं, आप उनसे हिदायत मांगते हैं और फिर अपना काम करते हैं। देखिए किसी भी नारे के अंदर कोई बुराई नहीं है, जब आप किसी नारे को हथियार बनाकर किसी की जान लेने पर कोशिश करते हैं तब उसमें आपत्ति है। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन हिंदुस्तान का संविधान देता है, क्या देता है वो मेरी पर्सनल लाइफ में देता है कि मैं अपनी जाति निजी जीवन के अंदर कुछ भी किसी को भी भगवान मानूं, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाऊं, ये मेरी जाति मामला होगा, ये मेरा निजी मामला होगा, कोई दूसरा मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं इस पूजा पद्धति को एनफोर्स करने लगूं आप पर कि जिस तरह मैं देखिए अभी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, विदिन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, एक बात और भी प्लीज आज अभी थोड़ा सुन लीजिए सर, मैं आज चाहता हूं कि धार्मिक सौहार्द की बात हो, जो हमारा पुराना भारत है, जो जहां हमारे हिंदू और मुसलमान सब एक थाली में बैठ के खाना भी खाते हैं और नवरात्रि। जनाबे अली एक बात तो मैं कहूंगा, मैं एक शब्द पे बात तो हम नए हिंदुस्तान की करेंगे, पुराने हिंदुस्तान की नहीं करेंगे। कल्चर में सर संस्कृति हमें पुरानी चाहिए सर,
अगर आप नए कल्चर की बात करेंगे तो पुरानी बात, पुरानी हमारा कल्चर जो था, हमारी संस्कृति जो थी कि नवरात्रे के जुलूस में मुसलमान खड़े होकर पानी पिला रहे होते थे, कांवड़ियों को छाया दे रहे होते थे, ये हमारे हिंदू भाई करते थे। और इसी तरह हमारे मुसलमान भाइयों के लिए रमजान में अफ्तार के वक्त पानी पिला रहे होते हैं हमारे हिंदू भाई। और आज की कल की लेटेस्ट खबर सुनिए सर, सुनिए अरे सर प्लीज आप ही सर कल की सर प्रतीक जी, आज की तारीख में दो ही चीजें सस्ती हैं, या तो किसी व्यक्ति की जान, दूसरा है अल्लाह और राम का नाम। कोई भी कहीं भी खड़े हो कि अल्लाह अकबर कह के किसी को जिबा कर रहा है, कोई जय श्री राम कहकर गले काट रहा है, पर सच क्या है? सच ये है उन लोगों का कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, वो है शैतानियत। पर इन जैसे वाक्यों से सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? ये जो आम जनता खड़ी है ना, आप और मैं, हम सबसे ज्यादा पीड़ित है। सबसे जरूरी है हमें समझना कि उन लोगों को हमें दोषी ठहराना, हमें दोषी ठहराना है अपने आप को, अगर हम उनकी गुमराह बातों में आ रहे हैं। सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, कोई भी सरकार झंडा लेके किसी का गला नहीं काटती। सरकार दोषी कैसे नहीं है? सरकार का फर्ज है हर आदमी को एक सुरक्षित और अच्छा माहौल देना, सरकार उसमें फेल साबित हुई है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, सुनिए, कोई नई बात नहीं है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, क्या यही है जय श्री राम? अरे राम राज्य चाहिए लोगों को, ऐसा सुरक्षित माहौल चाहिए जिसमें एक बात मैं एक मिनट प्लीज, मैं बहस को इनिशिएट करूं या बहस शुरुआत हो, आप सारे लोग बहुत संयमित भाव से खड़े हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सारे लोग यहां जितने हैं वो सब जानते हैं कि उनको क्या करना और क्या होता है, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये घटनाएं क्यों होती हैं ये जानना बहुत जरूरी। एक मिनट, एक नया फेस है, कोई आए हैं बहस में। मैं आपका एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान का, बिल्कुल साहब, वो हमारे बड़े भाई हैं, और मुस्लिम समाज जो है वो उनका छोटा भाई है। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से राम का नाम लेकर लोगों को कत्ल किया जाता है और किया जा रहा है, ये शर्मनाक है हिंदू समाज के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, दोनों चीजें। आई एग्री। दूसरी बात ये, मुस्लिम समाज का एक भी बंदा ऐसा बताइए जिसने किसी हिंदू का कत्ल किया हो। लेकिन क्या इन बड़े भाइयों को यह शोभा देता है कि वो अपने एक छोटे भाई का मर्डर करें और उस पर जय श्री राम का? मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरी मर्जी से मैं कहता हूँ जय श्री राम, मैं कहता हूँ, मैं खुशी से कह रहा हूँ जय श्री राम। लेकिन आप किसी को मार कर ये नहीं कहें हनुमान की जय, राम की जय, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, ये नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। और ये हिंदू भाई खड़े, ये भी इसके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, ये भी खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल। तरबेज जैसे इंसान को आपने कत्ल कर दिया और जनाबे अली, मैं एक चीज, सर सर नो नो आई वॉन्ट अलाउ, सर आई वॉन्ट अलाउ, आई वॉन्ट गिव यू एनी टाइम, नहीं एक मिनट निकाल प्लीज। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाह रहा हूं, किसी ने कहा कि हम उनके लिए 5 लाख रुपए भिजवा रहे हैं, भिजवाइए सर, आप नहीं भिजवाएंगे किसके लिए तो कौन भिजवाएगा? ऑफ कोर्स भिजवाइए, जरूरी है भिजवाना, उसको पीट पीट के मार दिया। लेकिन प्लीज तबरेज के नाम पर दुकान मत खोलिए, ये बहुत 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 ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि तबरेज के नाम पे दुकान मत खोलिए जी। ना ही कुरान शरीफ ये सिखाता कि आप जाके किसी का कत्लेआम करें, ना ही गीता सिखाती। मेरे बड़े भाई ने बोला कि जय श्री राम, मैं भी मुसलमान हूँ आपको बता दूं, आपको पहली दफा देखा यहाँ, कोई भी जय श्री राम कहने के लिए आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई अल्लाह अकबर कहने के लिए भी नहीं करेगा। आपने कहा किसी हिंदू ने मारा, नहीं, उसका कोई धर्म नहीं था, उसका हैवानियत धर्म था। किसी मुसलमान को कोई अगर आतंकवादी अल्लाह अकबर कह के मुंह पे काला कपड़ा डाल के जब किसी का कत्ल करता है, मैं उसे इस्लामिक नहीं कहती, मैं उसे मुसलमान नहीं कहती, मैं उसे आतंकवादी कहती हूँ। वही अगर कोई हिंदू कर रहा है तो वो गलत है, और सरकार भी उसे सरासर गलत ठहराएगी। चाहे आप देख लीजिए, मैं मान ही नहीं सकती मोदी जी, आरएसएस का कोई व्यक्ति आके कह दे तू अगर जय श्री राम में गले काट रहा है ना तो वो सही है, ये गलत है, ये झूठ है। प्रतीक भाई, वैसे तो एक उम्र लग जाती है घर बसाने में, बशीर बदर साहब का शेर पढ़ो, और पल भर लगता है मेरा आशियां जलाने में, वो स्थिति इन्होंने पैदा करी है। मैं एक बार कहना चाहता हूँ साहब कि जो लोग आज समय में जो भगवान राम की उपासना करते हैं, जो भगवान राम की उपासना करते हैं, उसका विरोध कौन कर रहा है? उसको कटघरे में कौन खड़ा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, वो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। जो ट्विटर पे, मेरी बात सुन लीजिए ना साहब, हाँ। जो ट्विटर पे एक ट्रेंड चला रहा है नाटो जय श्री राम, ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, और इसी ट्रेंड के जरिए
मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो लोग हैं जो भगवान श्री राम का नाम लेने वालों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, और उसको समर्थन कौन दे रहा है? आपने 10 सेकंड दिए, मेरे को पूरा तो कर ले दीजिए। मेरा कहना है उसको समर्थन कौन दे रहा है, उसको रीट्वीट कौन कर रहा है? तमाम वो विपक्षी दल जो सत्ता में आने के लिए आतुर है, परेशान है, सत्ता में आने के लिए लड़ाई थे, उन्होंने रीट्वीट किया है। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, हमारी बातों में विरोधाभास करते रहे। मेरा कहना यह है कि जो भगवान श्री राम का जो भगवान श्री राम का नाम लेकर के किसी व्यक्ति को मार रहे, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, तो क्या वो हिंदू है? भगवा पे वो हिंदू है या वो आरएसएस भाजपा का है, या फिर वो व्यक्ति जिसने एक बहन और एक उसके भाई को मुस्लिम समाज के लोगों ने गला काट दिया, उसके साथ उसको वो हालत करी तो उन्होंने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया, क्या वो उसको मुसलमान कहेंगे? उसको क्या कहेंगे आप? ना मैं उसको हिंदू कहता हूँ ना मुसलमान कहता हूँ। साफ साफ एक बात स्पष्ट कहना है, ये लोग जितना भी हमारे देश के अंदर या दिल्ली के आसपास में अगर मुस्लिम समाज के ऊपर किसी भी अगर असामाजिक तत्व अगर कुछ करता है तो वो हिंदू समाज को बदनाम किया जाता है, लेकिन अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो कौन सा मुस्लिम समाज के व्यक्ति उस बात का विरोध करने के लिए तैयार होता है? ठीक है जानना जरूरी है कि देश में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, जब देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार एक तरफ हिंदू मुस्लिम, अरे सुनिए ना, क्या बीफ का एक्सपोर्ट बंद हुआ है, गायों को मारकर विदेशों में जो सप्लाई हो रहा है, और बीफ के जो सप्लायर है उनसे सबसे ज्यादा चंदा इस भाजपा को मिला है, एक तरफ गाय को बेचकर। एक मिनट जनाब, जनाबे आली, बहुत इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक छल बहुत अच्छा आसान सा शब्द है, कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है, एक धोखा कह लीजिए, एक धोखा इस देश में, इस मुल्क में गरीब के साथ हुआ, और एक छल और एक धोखा इस मुल्क में मुसलमान के साथ हुआ, और वो ये क्या था कि उसे एक वोटर की तरह इस्तेमाल किया गया, और ये बहुत खतरनाक चीज थी जो हुई। क्या नए, मैं सवाल यही रखता हूं, अब मैं आ रहा हूं हाशमी साहब आपके पास, नए भारत में, नए हिंदुस्तान में, इस मुल्क में क्या ये चीज बदलती नजर आएगी? आई एम गिविंग यू अ चांस नाउ। देखिए, बार बार ये बातें आ रही हैं, लिंचिंग का ये पहला वाकया नहीं है तबरेज का, आपने अभी कहा ना दुकानदारी ना करो, दुकानदारी ही मुस्तकिल हो रही है, लिंचिंग के वाकयात बहुत पुराने इस मुल्क में, अभी तो एक एक करके मारा जा रहा है। 2 सेकंड इस बात को रोक के मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा, इस पे मुसलमान को तो विरोध करना ही नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को धूमिल करने का प्रयास यदि हिंदुओं के माध्यम से हो रहा है तो इसका विरोध हिंदुओं को ही करना चाहिए था, इसलिए ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है कि प्रोटेक्शन के लिए 70 वर्षों में सरकार ने केवल भाजपा को कटघरे में लाला कर, ये तो वोट पहले इन्होंने भाजपा दिखाकर तो वोट लिया, खबरदार वो सांप्रदायिक है, वो फला है, वो चिला, यही माहौल बना के सांप्रदायिक बना दिया गया, वरना इतिहास के पन्नों को अगर उल्टा जाएगा तो हमाम में सबसे ज्यादा नंगे बगैर चड्डी के अगर हैं तो वो लोग हैं जिसकी वकालत 2-4 लोग बराबर करते रहते हैं। सवाल बड़े हैं, ऑफकोर्स आई एम कमिंग, आई विल कम टू यू। सवाल ये है कि क्या शुरुआत वहां से हुई तो नए भारत में बदलता हुआ मुल्क, बट देखिए सर, आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल, आई एम कमिंग टू यू, नो आई वोंट कम टू यू, मैं शुरुआत नहीं, मैं आ रहा हूं पहले इनको चांस दूंगा जी। सर ये बताए कश्मीरी पंडितों को कितने वर्षों पहले मारा, जब अल्लाह अकबर बोलो, जब तुम लोग कहां गए थे भाई, है किसी ने किया विरोध है वहां पे, जम्मू कश्मीर में शायद मुसलमानों की सरकार थी, बोला किसी ने, और आज कहां पर कश्मीरी पंडित थे फिर, वो भाई बोल दिया ना कि जय श्री राम के नाम पे पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। प्रतीक जी 10 सेकंड लूंगी, मैंने शुरुआत क्या करी थी कि सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, आम जनता, देखे क्या हो गया, जो धर्म नहीं है, जो धर्म के विरोधी हैं, कत्लेआम मचा रखा है अल्लाह और राम का नाम लेके, उन्होंने आज इन दो भाइयों में जंग करा दी, यही ये दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। लोग कौन है? हाँ जी, जो सत्ता में बैठे हैं वही लोग इस माहौल को तैयार कर रहे हैं, मुझे गाय के नाम पर बार बार एक ही बात को इंगित कर रही है कांग्रेस। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार प्रायोजित काम चल रहा है, जय श्री राम का नाम लेने वालों को जेलों में भेजा जा रहा है, क्या भाजपा की किसी सरकार में सरकार प्रायोजित कोई काम चल रहा है? नहीं।
भाई, ये भ्रष्ट रोम राज के लोग, पुराने लोग तो बोले ही मत, जब 5 लाख पंडितों को सरेआम निकाल दिया गया था कत्लेआम करवाते हुए कश्मीर से, कांग्रेस की केंद्र की सरकार और वहां की सरकार, एक भी मंदिरों को बख्शा नहीं गया था, चाहे वो श्रीनगर की हो, चाहे वो अवंतीपुरा की हो, अमरनाथ यात्रा पे बम गिराया गया था, तब ये जो मातम ब्रिगेड है जो आज गा रहे ना कि जय श्री राम के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, ये लोग दत्ता जी, 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 इतनी तमाम गुस्सा, इतना तमाम हेट्रेड, इतना वैमनस्य, इतना द्वेष, जहर लेके तो नए भारत की इमारत नहीं रखी जा सकती। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं कहता हूं यहां से कि ये मसला ही खत्म होना चाहिए ना, तो कैसे खत्म हो, कोई तो चीज होगी, कहां चले गए वो जनाबे अली गए भाई, मसला तभी खत्म हो जाएगा, ये सारे जितने सारे सेकुलरली कम्युनल लोग ना जो कलर देते हैं और ट्विटर पे कुतर करते हैं, ये लोग अपने मुंह पे थोड़ा ताला लगा ले, तभी खत्म हो जाएगा ये मसला। हम एक समृद्ध भारत का सपना देख रहे हैं, जब भारत समृद्ध होगा तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, सभी को उसके फायदे मिलेंगे ना, सभी को उसकी सुविधाएं मिलेंगी ना, अगर अच्छी ट्रेनें मिले, पानी का कितना बड़ा मसला होने वाला हमारे यहाँ, 6 साल बाद आधा हिंदुस्तान प्यास के मारे मरने वाला होगा, हैं? अब पानी पे हम नहीं बात करेंगे, हम आपस में ये देखिए कुछ राजनीतिक दलों का, सर प्लीज प्लीज, आप तो कुछ राजनीतिक दलों का एजेंडा यही है कि जनता को इसमें बांट के रखो ताकि दूसरे मुद्दे गायब रहे, वो कभी उस पर सवाल ही ना उठाए। मैंने पूरे 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 इंटायर उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जी, सर मैं क्या बोलूं, मैं इस वजह से खामोश बैठा हूं कि आज देश इस मकाम पर आ गया कि इस मसले पे भी हमें बहस करनी पड़ेगी, हमें मिसालें देनी पड़ेंगी कि तुमने किया था तो हम कर रहे हैं, तुम करोगे तो हम करेंगे, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की मानसिकता करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र जी को जय कहने से क्या उनकी जय हो जाएगी? श्री रामचंद्र जी का जो मकाम है, श्री रामचंद्र जी का जो एहतराम है, वो तुम लोग जय कहो ना कहो, मैं जय कहूं ना कहूं, श्री रामचंद्र जी वही रहेंगे जहां वो थे और जहां वो हैं, मेरे और तुम्हारे कहने से उनकी जय होने वाली नहीं है, और तुम मजबूर करते हो गरीब आदमी को, मजलूम आदमी को, माजूर आदमी को, अकेले आदमी को कि तू जय श्री राम बोल, अबे तेरे कहने से या तेरे कहलवाने से रामचंद्र जी की जय हो जाएगी? प्रतीक भाई और यही बात होना चाहिए, अभी अभी यह बात हो रही है कि सरकार ये हो क्यों रहा है, मेरे वो इस वजह से रहा है कि मूवी बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है कि हम इसको मार रहे हैं, हमारी वीडियो बनाओ सोशल मीडिया, क्योंकि उन लोगों को पूरा यकीन है कि सत्ता में बैठी सरकार हमें टिकट देके एमएलए और एमपी बनाएगी। देखिए मेरी बात, सबसे तीसरी बार गलत आपत्ति करी है, ये लोग जो है जिसको इरफान मंजूर को कांग्रेस ने एमपी बनाया, वही इरफान मंजूर से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री का गला कलम करेगा, 50 लाख रुपए दूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ प्रतीक भाई, बरसात में करिया तो हो जाते हैं, प्रतीक भाई आपके इशारे पे ये काम हो रहा है, बरसात में करिया भी हो जाते हैं, उन्हें मालूम है कि कभी ना कभी मोदी जी के जो थोड़ा सा असर है ना वो मेरे बड़े भाई पर नजर आ रहा है, यही समझना है कि जो करवाते हैं वो किसी धर्म से नहीं आते भैया, वो किसी सरकार से नहीं आते, झूठ मत फैलाइए, जनता को मत लड़वाइए, जनता प्यार की भूखी है, उन्हें प्यार फैलाइए। बहरहाल जब बहस बहुत तेज गर्म है, उस बीच में खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा पर कांग्रेस से निकाले गए एपी अब्दुल्ला कुट्टी बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये कौन सी राजनीति है, ये नहीं समझ में आई भाई मुझे। बहरहाल ये समझेंगे, पाजी मुस्कुरा दिए, बोले खाम कहां इतनी हल्ला मचाते हो, पसीना बहाते हो, अरे हम ही से पूछ लिया होता, अरे हे 1.25 लाख से एक लड़ाव वाले हैं ये। पाजी आप मुस्कुराते हुए गए थे और मुस्कुराते ही हुए वापस आए हैं, आपका तो जवाब ही नहीं। दरअसल बातचीत का सिलसिला जब मैं जोड़ रहा था तो यही बात मैंने कही थी कि सबसे अहम चीज है जो ये मुल्क जिसकी ये तस्वीर खींच रहे थे, ये वो मुल्क जिसमें सब कुछ है, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर कहाँ भेद है, कहाँ मतभेद है, यही बात थी जिसको कि आज हम बातचीत कर रहे हैं। उधर से किसी शख्स ने कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, इनिशिएट करना चाहता हूँ, मैं आता हूँ बाबू तुम्हारे पास भी पूछूंगा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ
ये जो मॉब लिंचिंग का जो वर्ड है ये सिर्फ 3 या 4 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान वहाँ पे एक भाई साहब कह रहे थे कि आज के 8 साल 10 साल पहले जब कश्मीर के अंदर में जुमा की नमाज पढ़ी जाती थी, नमाज पढ़ने के बाद बाहर आने पर उन फोर्सों के ऊपर में पथराव होता था, वो क्या था, उसको किसी भी पार्टी ने किसी भी शख्स ने किसी भी लेवल पे उनको डिनाई नहीं किया है। वो फोर्स वाले जो देश को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं और उनके लिए किसी का भी सिर्फ देश भी सर्वोपरि है, कोई जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उसको डिनाई करना, लगातार डिनाई करते चले जाना वो बात थी, और वो अहम पहलू है कि आप फौज पर आप सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंके, लेकिन फिर सवाल ये आता है वो कहते हैं कश्मीर का तो मसला ही कुछ और है। मैं बताता हूँ मसला क्या हो रहा है कश्मीर के बाद में, वही चीज आज के 8 साल पहले जब मैं बोलपुर में गया था, वहां पे टीएमसी और कम्युनिस्ट के आपस में यही मॉब लिंचिंग का जो कांड हुआ था, उस समय तो वहां पे भाजपा नहीं थी, वो अभी बंगाल के अंदर में वही चीज रिपीट हो रही है। और अभी उस ममता बनर्जी दीदी को हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत को जिंदा रखते हुए उस चीज के ऊपर में काबू पाएं और देश की जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक संदेश दें कि इसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। जी जी अवकाश अवकाश दत्ताजी, मैं आ रहा हूँ दत्ताजी, आई विल कम टू यू। ये जो मॉब लिंचिंग का शब्द है या जो टिप्पणी है ये जो भी मैटर है, ये इसको जो है किसी तरह से भी डिनाई करना चाहिए। मौजूदा सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं है ये तय है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे इससे बेहद दुख हुआ और इसको कड़ा से कड़ा सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा इस देश में कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो वो तो एक्शन ले, जो भी घटना हो रही चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ हो, चाहे हिंदू या मुसलमान। एक बात मुझे हाशमी साहब की कुछ दिन पहले जब वो कह रहे थे और उसको फलाही साहब ने तस्दीक किया था, उसको ठीक कहा था, और मैं उस बात को फिर से यहाँ रिपीट, जब ये घटना हुई, मैं आ रहा हूँ सर, जब ये घटना हुई और ये जो घटना हुई इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और स्पीडी ट्रायल हो, ऑफकोर्स है, सुन लीजिए, ऑफकोर्स है, और ट्रायल होके उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिले जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए। अभी आपने कहा बिल्कुल इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी भी हत्या हुई मैं नाम मिल लूं, लेकिन आप क्या यहाँ से खड़े होकर इंश्योर कर सकते हैं कि अगला कोई ऐसा हिंदुस्तानी इसी तरह की घटना में मॉब लिंचिंग में नहीं मारा जाएगा? आप कह सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर? जितनी 152 हो चुकी है आप, ये सवाल है आपका दत्ता जी, प्लीज कम टू द टॉपिक, सवाल पे आइएगा। आई एम कमिंग टू द टॉपिक ओनली। 130 करोड़ लोगों की देश है और उस पे अगर कुछ गुंडे तत्व हैं और आइसोलेशन में कहीं पे अंधेरे में कुछ अगर ऐसे गलत काम करते हैं, कानून उनको सजा देगी, स्पीडी ट्रायल होगा। झारखंड सरकार ने उनसे जाके जेल में मिलते क्यों हैं उनके मिनिस्टर, जेल में जाके मिलते क्यों हैं, उनको टिकट क्यों दिया जाता है, उनको एमपी एमएलए क्यों बनाया जाता है? क्या दोहरी बात करते हो यार आप लोग? आप इस बात को मानो, या तो पूरा मीडिया झूठा है, पूरा हिंदुस्तान झूठा है, या आप सच्चे हो? आप बात ही अजीब बात करते हो। आप जब आपके लोग, आपके जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो उन लोगों की जाके गालनी करते हैं, उनको घर बनाते हैं, उनको टिकट देके ऐवान में पहुंचाते हो यार। बात कंप्लीट करने दीजिएगा। झारखंड सरकार ने इस घटना के बाद तुरंत सुओ मोटो एक्शन ली है, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माननीय चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट मैकेनिज्म के माध्यम से जस्टिस मिलेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अगर सही दिशा में कदम नहीं है तो क्या कदम है फिर, आप बताइए? जब लोगों को कत्लेआम किया जाता है, जब सिखों को कत्लेआम किया गया था आंखों में पट्टी बांध के, अगर किसी के जख्मों को ये कुरे देंगे, बार बार जख्म देंगे, तो कहेंगे तुम्हें बोलने का हक नहीं है। अरे प्रदीप भाई, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई अंकित त्यागी को मारा गया ना दिल्ली में, उसके कातिलों को सजा क्यों नहीं दी गई? चलिए अब मैं छोड़िए, किसी का भी नाम मत लीजिए, इनको कह रहे ना कि हम आवाज नहीं उठाते, अंकित त्यागी हो, ध्रुव हो, या जितने भी मारे गए, इनको क्यों नहीं सजा दी गई? इनके लिए क्यों नहीं लगे? आज भी जब कश्मीरी पंडितों के दोबारा बसन करने की बात होती है, यही सेकुलर लोग कहते हैं नहीं नहीं, माहौल तो ठीक नहीं है, वहाँ माहौल सही नहीं है, इनको मत बसाओ। और कश्मीर के जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित आएंगे तो हम
हमारे लाशों में आएंगे, ये कौन सी नीति है भाई? मुझे अंकित के बारे में बोले, आप एक आदमी बताओ कश्मीर से बाहर, कश्मीर से बाहर एक मुसलमान का नाम बताओ जिसने इस बात को सेकंड किया हो, जिसने कश्मीरियों के आचरण को सेकंड किया हो। आप कश्मीरियों का इल्जाम हम पे नहीं लगा सकते, अगर कश्मीरी करता है हम उसको गलत कहते हैं। एक मुसलमान का नाम बताओ। और दूसरी बात, आप कहते हो 84 की बात आप करते हो, तो 84 के अंदर सिखों को मारने वाले कौन थे? भाजपा और आरएसएस के लोगों पर 1984 के दंगों में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये लोग, और चौकीदारों को लगा हमारे ऊपर, बार बार हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने का काम ये लोग कर रहे। मैं आज मैं बताऊं, अगर 100 में नंबर देने हो ना, 100 में नंबर, तो 1000 नंबर है आपके, और सब जानते हैं आप ड्रामा कहां कितना कौन कर रहा है। यो एवरीबडी नोज कि कौन कितना बड़ा ड्रामा कर रहा है, एवरीबडी नोज। इसका कारण क्या है सर, कि आप शिक्षा के सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उस पर आपका कब्जा रहेगा, चिकित्सा का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उस पर आपका कब्जा रहेगा। हमारे बच्चे सिर्फ शुगर लेवल डाउन हो जाए उससे मर जाए चमकी बुखार से, शर्म आती है इस बात पर। और अरज का जो ये मॉब लिंचिंग है सर, इस तरह की घटनाएं तो होनी है, क्योंकि बीज तो आपने डाल दिया है, वह बीज इस धरती में जो पड़ा है, ये धरती उस चीज को स्वीकार नहीं करती है। रावण को याद कीजिए सर, वह थी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, किसी की हिम्मत थी, किसी का मजाक था उस समय जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं कि रावण के विरुद्ध में सिर्फ आवाज उठा के देख ले, लेकिन अंत हुआ सर। हाँ हुआ, हाँ मर्यादा सर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंटी लिंचिंग का, सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर कि आज लोग झिझक नहीं रहे हैं कि खुद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चले जा रहे हैं, ये नया अप्रोच शुरू हो रहा है। ये देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने शुरू कर दिया है, कैसे बिना झिझके जब एडमिनिस्ट्रेशन था वो चोरी किया था, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए थी ना, कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन आज देखिए क्या अप्रोच क्या चल रहा है, खुद लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े हो जा रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, न्याय खुद लोग करने लगे, उनको पता ही नहीं कि न्याय कैसे करना है। न्यायाधीश बने जा रहे हैं, नेता भी तो बताते हैं ऐसे ऐसे नेता, अब नेताओं की बात हो रही है, एक नेता कहता है कि मैं इससे दुखी हूं, सर आई एम कमिंग सर आई एम कमिंग, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जो ये हुई घटना इससे हम दुखी हैं, और एक नेता ऐसे भी हुए हैं वो कौन से संप्रदाय के जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे भी तो नेता है देश में। फिर आप हनुमान जी के मंदिर हो है ना जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, है ऑफ कोर्स दिक्कत है, बिल्कुल है। अरे अरे नवी नवी अभी भी गड्ढा हिंदू मुस्लिम नहीं कर, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, लेकिन जो है ये खड़े होकर के बार बार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का नफरत का बीज एवरीबॉडी इज वॉचिंग, नवी नवी सारे लोग देख रहे हैं, हम बहुत आराम से बात करेंगे। आ रहा हूँ सर। जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है घर में गंदगी होती है ना, तो कम से कम अपना 2 BHK अपार्टमेंट भी 1 घंटा लग जाता है सफाई करने में, तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन है पूरा, इतना बड़ा फैला हुआ देश है, कम से कम कुछ समय तो दीजिए, इन लोगों का भी सफाया होगा। और यही वजह हिमायत कहां कर रहे हैं आप, जनता ने सरकार को जिताया है, अगर गंदगी होती सरकार में या भाजपा में तो इतनी बहुमत के साथ ना जीती। मैं दिखाता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का किसी भाजपा के नेता ने कहा था जब आप कि कोई मुसलमान मिले तो मारो, किसी ने नहीं कहा, और इस प्रकार की बातें करना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं के नाम पर नफरत फैलाना बंद करिए। मुझे एक चीज मालूम है बहुत अच्छी, प्लीज नहीं लड़वा कोई नहीं रहा, आप नहीं आप चुप रहे, नहीं सुनिए कोई नहीं मारेगा, आप मुझे एक बात मालूम है, बहुत अच्छी सी बात है कि अगर योजनाएं होंगी वो कार्यान्वित होंगी, जमीन पर दिखाई देंगी, आदमी के पास सुख चैन आराम से होगा, तो ये घटनाएं नहीं होंगी, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। सरकार कहती है अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक जो उनका मंत्रालय है उसमें कहता है कि वो 2 स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं, लौट रहा हूं, बहस को सही सिरे पे ले जाना चाहता हूं, और वो ये है कि पहला कोई बात नहीं पहला ये है कि हम अपनी जो योजनाएं बनाएं उस योजनाओं में एक ऐसा लेवल लेके जाएं जहां पे नया नवीनता हो, नया स्तर हो, और वो योजनाएं काम करती भी दिखें और लोगों का उसका स्तर पे सुधार हो, प्लीज। दूसरा ये है कि जो ये जो
माहौल बना है, इसमें इसको कर्व करना है, समरसता लानी, सामंजस्य लाना है। जी इधर कोई कहना चाह रहा था, जी जी सर, मेरा कहना है कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी मैं बाहर जाऊँ किसी से झगड़ा कर लूँ और वो हमें मार दे, वो मुस्लिम हो, तो उसकी क्या गलती? पूरे मुसलमानों गलती है कि खाली उसकी गलती है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, उसमें मोदी जी का क्या जिम्मेदारी है? कि हर दोष उनकी है, वो करवा रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, चार पांच लोग आगे खड़े हो जाएंगे, प्रधानमंत्री को ही दोष देते हैं। ये जनता पागल नहीं है सर, ऐसे ही बहुमत नहीं दी है मोदी जी को, पूर्ण बहुमत दी है, सब देखती है, सब जानती है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे आप कुछ भी करो सब दोष मोदी जी को, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विश्वास, विश्वास सबका जीते हैं तभी ना जीते हैं। भाजपा ने मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए नया तरीका निकाला है कि पहले इनको पिटवाओ और इन्हें न्याय देने के नाम पर इनका विश्वास। मुझे तो मोदी जी ने कभी नहीं पिटवाया, मेरा तो विश्वास है मुझ जैसे कई लोगों का, मुसलमानों का। देखिए इससे नुकसान भाजपा का, भाजपा का नुकसान। कांग्रेस किस आधार पे ये बात बोलती है? कांग्रेस नहीं है। या फिर कांग्रेस के समर्थक? हाँ। इस देश में सांप्रदायिक दंगा का पटकथा अगर किसी पार्टी ने या फिर उसकी पार्टी के समर्थकों ने लिखा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 5000 कम्युनल रायट इस देश में कांग्रेस का योगदान है। पंडित जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण आप भी करते हैं और मैं भी करता हूँ, और आपको मैं बता दूं मुझे अपने देशवासियों पे बहुत भरोसा है, यहाँ के देशवासी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ चंद लोगों की वजह से किसी एक सरकार को हमें पता है सकारात्मक होने की जरूरत है, हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इन घटनाओं को किस तरह रोका जा सके, किस तरह। आप बताइए अभी आज जब निकलेंगे मुझे, मैं बीमार हो जाऊं तो मैं क्या डॉक्टर को देखूंगा कि ये किस धर्म का है? मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो मैं देखता हूं ये किस धर्म का है? लोगों की मानसिकता यहां तक हो गई, लोगों ने डॉक्टर की जात तक देखना, रिलीजन तक देखना शुरू कर दिया, और ये दुखद घटना है, दुखद घटना है। अगर मोदी जी पिटवा रहे होते ना मुसलमान, अरे ये गलत बात है, ये गलत दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। आई वोंट टेक, कुछ आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उन्हें ये भ्रम हो गया है कि हम अगर इस तरह के नारे का इस्तेमाल करके किसी की हत्या करेंगे तो प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। बस ये चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं जिनके दिलों में ये भ्रम बैठ गया है कि हम कुछ भी कर देंगे, अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे कांग्रेस की और दूसरे लोगों की, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसमें अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं, कहां है वो, किसने विरोध किया, वो भी दोनों खामोश बैठे हैं, तो तुम भी तो बराबर के शामिल हो, कहां बोल रहा है कोई, कहां राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया, कहां कौन से किसी बड़े नेता को, किसी का नहीं आया, वो सब खामोश बैठे हैं। हमारी समस्या सिर्फ ये है कि जो हिंदू मुसलमान इस देश में साथ रहते चले आए हैं, प्रेम से रहते चले आए हैं, अगर आपको नया हिंदुस्तान बनाना है तो वही वातावरण दोबारा कायम करो, लोगों को अविश्वास मत फैलाओ, लोगों में विश्वास फैलाओ, जिसकी हमें पूरा यकीन था। और हम तो आज भी ये दुआ कर रहे हैं कि ये जो मोदी जी जो जीत कर आए, अल्लाह करे मशीनों के जरिए जीत कर आए हो। भाजपा नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि जो पहले कश्मीर में हुआ, दूसरी चीजें हुई, वही अब दोहराई जाएंगी। तो देश को जरूरत है रोटी की, रोजगार की, शुद्ध हवा की, पानी की, सरकार को ये काम करके दिखाने चाहिए। जब लोगों के पेट में रोटी होगी, जेब में पैसा होगा, मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी। पंडित भाई दिखाएगी, काम करके दिखाई है, इसलिए इतना प्रचंड बहुमत मिला है सरकार को। बातचीत हो रही थी नए भारत की, कैसा निर्माण हो, उसमें क्या चीज हो। ठीक है मैं आ गया बिल्कुल आ गया आपके पास आ गया। जी मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ, जो अभी मॉब लिंचिंग की डेथ हो रही है, इससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स की जो डेथ होती है, जिसमें कोई आदमी ऐसे डायरेक्ट उसको किल नहीं करते हैं, बट जो हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, फार्मर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। तो हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने चाहिए जो हम सिर्फ इन जो डे टू डे की डेथ्स हो रही है। सो आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं झारखंड से हूँ। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल क्राइम की बात करें तो हमें इस तरह के जो पब्लिक में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, उससे कई ज्यादा डेथ पर डे 5 डेथ हो रही है जेल में, जिसमें 1500 से ज्यादा डेथ हो चुकी है लास्ट 1 ईयर में,
जेल में जो कि जुडिशियल कस्टडीज हैं, और 144 डेथ ऐसे हैं जो नॉन जुडिशियल कस्टडीज हैं। 1600 से ज्यादा डेथ हमारे जेलों में हो रही हैं, और ये कोई बाहर साधारण बात नहीं है, ये साधारण चीज नहीं है। सवाल इन्होंने कहा कि मैं उस सवाल में दो वर्ड और जोड़ देना चाहता हूं, और वो इन्होंने कहा कि ज्यादा खतरनाक है किसानों का मरना। ठीक है साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और इस पर बातचीत होनी चाहिए किसानों पर। अक्सर किसानों की बातचीत को लेकर मैं यहां पर बहस करता हूं, बातचीत करता हूं, सिलसिला जोड़ता हूं, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसानों की जो मौत है उस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सर, जब हम नए भारत की बात करते हैं तो ये घटनाएं जो हैं ये बदनुमा दाग की तरह हैं। इनको हम ये नहीं कह रहे कम ज्यादा नहीं कर रहे, बड़ी लकीर छोटी लकीर नहीं खींच रहा, ऑफकोर्स पूरा देश है, ये पूरा मुल्क है, इसमें हर चीज पे बराबर साफगोई के साथ करना पड़ेगा। एक बात होगा बस जी प्रतीक जी, मैं बचपन से नारा सुनता चला आया था जय सियाराम, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सीता जी को क्या कसूर हो गया जो अब सीता जी का नाम हटा दिया गया, जय श्री राम हो गया पहले। भाजपा साहब, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, हमें बस नए भारत की चिंता करनी है। नहीं नहीं नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी, इसकी चिंता हमें किसी को नहीं करनी है। इसकी तो यही अपमानित करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये कौन होते हैं? ये चिंता जो करनी है ना हमें, चिंता वो चिंता वो जो उन्होंने गिनाई, ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। हाशमी साहब, हाशमी साहब, हाशमी साहब, मैं ये प्लीज 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 सर, आप नए इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रश्न बूढ़े बूढ़े से पूछ रहे हैं, ये कहाँ की बात है? नए इंडिया की बात है तो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछिए। और हाँ, दूसरी बात, आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, मीडिया को भी मैं यहाँ पर एक कड़वी बात बोलना चाहूंगा। बोलो बेटा, बोलो। जैसे दो भाई होते हैं, उनके बीच में तीसरा एक आदमी बोलता है वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, पर तुझसे लड़ना मत, दूसरे से भी आके यही बोलता है वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तू लंडा मत। जहर आप लोग फैला रहे हो, जा आप ये बताइए पानी की समस्या के लिए, प्रदूषण के लिए आपने इतनी डिबेट, इतनी बहस कहाँ करी है, जितनी बहस आप यहाँ पे कर रहे हैं। हिंदू बुरा, मुसलमान बुरा, वो बुरा, वो बुरा। सुन मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। मैंने सवाल ये है, तुम्हारा सिर्फ एक तरफ ध्यान है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब उसने कहा, एक मिनट प्लीज सर, उसने कहा कि किसानों की बात, किसानों की बात कही, मैंने कहा, मैंने सुना, और जितनी तुम्हारी पूरी हाइट है उतने से ज्यादा बार मैंने पानी, किसान और उसकी समस्या पे डिस्कस किया है, मैंने किया। लेकिन सुनो 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 मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन बात तुम्हारी और हमारी नहीं हो रही है, बात तुम्हारी और हमारी नहीं हो रही है। सर लिसन मी, लिसन, नो नो ना 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 ना, सर लिसन मी, लिसन मी, बात बेटा तुम्हारी और हमारी बात नहीं हो रही है, हमारी बहस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है खिड़की में बैठ के जो रोज चमकाई जाती है बहस, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और अगर अगर नए भारत की बात करनी है तो नौजवानों की तरफ देखना पड़ेगा। बहस निश्चित तौर से, निश्चित तौर पे पानी पे, किसान पे, किसानों की मौत पर, नए भारत की, इस सब पर होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब यहां पे श्री राम के नारे लगा रहे थे, मैंने कहा कि मैं जब डिबेट शुरू करता हूं, रोज रोज डिबेट शुरू करता हूं, तो मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेकर ही मन में यहां पे बहस शुरू करता हूं। और इसमें सब में, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं जय श्री राम पे, और जितने लोग यहां पे खड़े हैं उन सब में भगवान राम देखता हूं। लेकिन मुश्किल बताएं क्या है, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुश्किल ये है, आप मुझे भी उसमें शरीक कर सकते हैं, भाषण और ज्ञान देने के लिए, जय श्री राम नारा लगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये बात बताने के लिए, उसको सीख देने के लिए कोई तैयार नहीं। घर से बाहर आके, घर से बाहर आके माइक लगाकर बोलने के लिए, और यहां पर आके सबक देने के लिए, पड़ोस के बच्चों को बताने के लिए, तुम बहुत बदमाश हो, और अपना बच्चा कहां गया इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। मुश्किल यही है इस मुल्क की, तुम अपने पड़ोस वाले बच्चों को, अरे तो आपके बच्चा, अरे आपका बच्चा तो सिगरेट पीता है, और आपका, उनका बच्चा कहां गया? मुझसे कह रहे थे अभी एक सज्जन, अरे पानी कितनी बड़ी समस्या है, हुजूर आली पानी की समस्या है, मैं रोज पड़ोसियों से लड़ता हूं, अपने अपने पड़ोसियों से रोज लड़ता हूं, क्योंकि वो रोज सुबह पानी पीने वाले पानी को लेकर अपनी कार साफ करते हैं, और इतना लड़ा हूं कि उनको सबक आने लगे हैं समझ में, कि जब पानी पीने को नहीं मिलेगा अगले साल से इस दिल्ली के अंदर, तब समझ में आएगा। आप यहां आइए, भाषण दीजिए, खूब दीजिए, मैंने तो पहले ही कहा, दिखास का और छपास का रोग हिंदुस्तान में सबसे गहरा है, कि दिखना चाहिए और खूब बिकना चाहिए।
उसके बाद अब हिंदुस्तान में जय श्री राम नारा लगा लीजिए। चलिए बोलिए सर जी। मैम सर मैं कर लूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, एक हूँ मैं, नहीं मेरे बच्चे कोई नहीं है, एक लड़की है उसकी शादी कर दी, मुझे 2015 से डोल रही हूँ मैं, मुझे कोई पेंशन नहीं दी, बीजेपी वाले के पास मैं गई, कांग्रेस वाले के पास मैं गई, उन्होंने कहा 350 रुपये दो हम ऑनलाइन कर देंगे, झाड़ू वाले के पास गई 2014 से दो दफा फार्म जमा कर दिए, कोई नहीं दिया मेरे को पेंशन, नहीं मेरे पास सिलेंडर मिले मेरे को कोई, नहीं मेरे को पेंशन मिलती। कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती जी, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मुझे रोजगार दो, चाहे मुझे झाड़ू लगाने वाले रोजगार दे दो, मैं अपना गुजारा करूँगी और मैं अपने खाने पीने का करूँगी। मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे आदमी भी नहीं है, मेरे लड़के भी नहीं है, मेरी पेंशन 2015 से घूम रही हूँ, मेरी पेंशन किसी ने नहीं बना के दी, और मेरे को खाने का 5 किलो गेहूँ मिलता है, मैं कर लूँ मेरे को 5 किलो गेहूँ मिलता है, उससे अलावा कुछ नहीं मिलता, झाड़ू पोछा करती हूँ, कपड़े भी वो देती है जिससे मैं काम करती हूँ, मैं कोई खाने कमाने वाला कोई नहीं जी, मुझे कोई रोजगार दो ताकि मैं अपना गुजारा जीऊँ इतने कर सकूँ। मेरे परे चलो, परे चलो, चलो परे, और बहस ये सब ये जो है तमाशा वमाशा लपेटिए और बंद करिए, चलिए वापस लौट चलते हैं, ये है हकीकत जो मेरे पीछे खड़ी है, ये हकीकत है। बीमारी दिखाने वाला भी कोई नहीं है, मुझे बहुत बीमारी है, आंखों की प्रॉब्लम मुझे है, पेट में प्रॉब्लम मुझे है, कमाऊंगी नहीं तो मैं खाऊंगी कैसे, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई रोजगार दिलवाओ बस, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये है भगवान श्री राम, आप लगाओ जय श्री राम, इतनी जोर से बोलो कि वहां तक जाए आवाज, जय श्री राम। क्या दिक्कत है? किराए पे रहती हूँ, कहाँ से किराया दूँ, कमाऊंगी नहीं तो किराया भी मैं कहाँ से दूँ, मुझे रहने के लिए चाहिए, मुझे कोई रोजगार दो ताकि मैं अपना किराया दे सकूँ। लगाओ जोर से नारा जय श्री राम। आज बहस यहीं खत्म, इस पर कल सुबह जब मैं लौटूंगा शाम को, कल तब बात करूंगा, बीजेपी वाले जो भी प्रवक्ता होंगे वो आपके काम का इंतजाम करेंगे। आज बस सिर्फ इतना, बहस खत्म।